हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एसएन फ्रॉम गैरेज.पीके और आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो है बारिशों में गाड़ी के इस्तेमाल के हवाले से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं मूनसून सीजन इज हेयर और मुल्क में चल रहा है बारिशों का स्पेल और इस वजह से मुल्क के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में सबसे पहले तो आप गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें, लेकिन फिर भी अगर सफर करना इंतहाई जरूरी है तो आपको रखना है चंद अहम बातों का ख्याल। सबसे पहले तो जितना हो सके अपनी गाड़ी की एयर इनटेक को पानी से बचाएं। यानी रास्तों के हवाले से तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद अपने रूट को ऐसे प्लान करें कि आपका गुजर उन इलाकों से कम हो जहां पानी ज्यादा खड़ा है या जहां पर बारिश के बायस ट्रैफिक ब्लॉक है, क्योंकि पानी अगर गाड़ी की एयर इनटेक के थ्रू सीधा गाड़ी के इंजन तक पहुंच गया तो गाड़ी का इंजन सीज भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गाड़ी को एहतियात से और आहिस्ता चलाना है और अगर कहीं पानी खड़ा हो तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी को लो गियर्स पर चलाएं। दूसरा, हर सफर से पहले ये जरूर अश्योर कर लें कि आपकी गाड़ी के वाइपर्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं और अगर कमजोर हैं तो उनकी मोटर या रबर प्लेट्स में से जो भी चीज खराब है उसको फिक्स या रिप्लेस करवा लें। थर्ड थिंग इज, आपको चेक करनी है अपनी गाड़ी के टायर्स की कंडीशन। अगर टायर्स कमजोर हैं तो गेट देम रिप्लेस्ड और अगर अच्छी कंडीशन में है तो ऑलवेज मेंटेन रिकमेंडेड एयर प्रेशर, क्योंकि अगर एयर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो बारिश में लो ट्रैक्शन की वजह से गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और कम प्रेशर की वजह से ज्यादा पानी वाली जगह पर टायर्स पर दबाव ज्यादा पड़ता है जिसमें टायरों के साथ साथ एकदम ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने की वजह से इंजन के हीटअप होने का भी खतरा होता है और बारिशों में टायर प्रेशर के साथ साथ आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट का भी बैलेंस होना काफी जरूरी है। चौथी चीज है आपकी गाड़ी का एसी और डिफॉगिंग फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क करे, क्योंकि बारिश में ह्यूमिडिटी के इशू की वजह से स्क्रीन पर कंडेंस फॉग जमा हो जाती है और विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। वैसे आजकल मॉडर्न गाड़ियों में तो स्क्रीन इजीली डिफॉग हो जाती है बाय जस्ट प्रेस ऑफ अ डिफॉगिंग बटन, लेकिन वो गाड़ियां जिनमें कन्वेंशनल एसी कंट्रोल्स आते हैं उनमें स्क्रीन को डिफॉग करने के लिए सबसे पहले टॉगल को फ्रंट स्क्रीन डिफॉगिंग के निशान पर लाना है और अश्योर करना है कि एयर रिसर्कुलेशन ऑफ हो, फिर एसी ऑन करना है और इसके टेम्परेचर को बाहर के एनवायरमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर आपकी गाड़ी का डिफॉगिंग फंक्शन सही से काम नहीं करता तो आपने घबराना नहीं है, आपने बस एयर रिसर्कुलेशन को ऑफ करने के बाद ड्राइवर एंड पैसेंजर विंडो दोनों को थोड़ा थोड़ा रोल डाउन कर लेना है ताकि हवा सही से क्रॉस हो सके। और पांचवी चीज आपने एश्योर करनी है कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स और टेल लाइट्स प्रॉपर्ली ग्लो करती हों, खास तौर पर फॉग लैंप्स एंड ब्रेक लैंप्स वर्किंग कंडीशन में हों और सही से लाइट अप होते हों। तो इन पांच टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके और आपके आगे वाली गाड़ी के दरमियान कम से कम 3 गाड़ियों का फासला हो, क्योंकि स्लिपरी रोड्स की वजह से अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग को अप्लाई भी करते हैं तो कम से कम आपके पास गाड़ी को रोकने की गुंजाइश हो। इसी के साथ बाइक पर सफर करने वाले हजरात बारिश के दौरान हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तो ये थी मूनसून सीजन में गाड़ी की ड्राइव के हवाले से कुछ जरूरी टिप्स। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी कारामद साबित होगी और याद रखें मोहतार ड्राइविंग ही महफूज जिंदगी की जमानत है, तो ड्राइव सेफ। और गाड़ियों को लेके मजीद ऐसी टिप्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू फॉलो गैरेज.पीके।